हमने सीखा। पहला, सवाल को समझना। सवाल पर काम शुरू करने का सबसे पहला कदम है सवाल को पढ़ना और यह देखना कि क्या जानकारी दी गई है और क्या रचना करनी है। यह एक तरीके से जानकारी को समझकर उसे गणितीय रूप व संदर्भ में परिवर्तित करने जैसा है। इसमें यह समझने की ज़रूरत है कि दी गई जानकारी में से कौन सी उपयोगी है और कौन सी नहीं, दी गई जानकारी के आधार पर किन ज्यामितीय अवधारणाओं का उपयोग हो सकता है। इस तरह की सोच सवाल को समझने में मदद करती है। दूसरा, एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर एक कच्चा यानी रफ चित्र बनाकर विश्लेषण कर यह सोच सकते हैं कि इस सवाल को किस तरह हल करें। इसमें यह सोचना होगा कि जो जानकारी दी गई है उसमें अपेक्षित आकृति का कौन कौन सा हिस्सा हमें ज्ञात हो गया है और आकृति की रचना करने के लिए क्या और चाहिए। तीसरा, एक बार विश्लेषण कर कच्चा या रफ चित्र बनने के बाद चरणबद्ध रूप से ज्यामितीय रचना की जा सकती है। चौथा, अंत में रचना पूरी होने के बाद देखें कि रचित आकृति सवाल में दी गई जानकारी के अनुसार है या नहीं। ज्यामितीय रचना में आप माप के अलावा प्रमाण यानी प्रूफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि रचित आकृति अभिष्ट है या नहीं।